Daily Cooking with Simi. Assalamualaikum. Welcome to the Daily Cooking with Simi. आज हम बना रहे हैं चिकन आलू का सालन, यानी कि आलू मुर्गी बना रहे हैं हम. और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लीजिए. आधा के जी मैंने चिकन ले लिया है, उसके साथ ही तकरीबन 2 से 3 मैंने आलू ले लिए हैं. आपकी पसंद पर डिपेंड करता है, आप आधा किलो के साथ आधा किलो आलू भी वो ले सकते हैं. 2 अदद प्याज लेकर मैंने उनको बारीक पीस लिया है. ड्राई मसालों में मैंने लिया है 1 से 1.5 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून जो है वो भर के लाल मिर्च का ले लिया, सूखी मिर्च का, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ले लिया हमने, और 1/2 टीस्पून हल्दी ली है. उसके साथ ही पिसा हुआ गर्म मसाला हमें चाहिए तकरीबन 1 टीस्पून. लहसुन अदरक का पेस्ट लिया हमने तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून. 1 टेबल स्पून जो है वो ग्रीन चिलीज छोटी हरी मिर्च है पिसी हुई, और 2 अदद टमाटर हैं उनको बिल्कुल बारीक बारीक हमने काट लिया है. और तकरीबन 3/4 यानी कि 1/4 कप जो है वो हमें कुकिंग ऑयल चाहिए होगा. आइए चलते हैं कुकिंग स्टेप्स. पैन में हम ऑयल डालेंगे 3/4 यानी कि 1/4 कप जो है वो हमने आपको ऑयल बताया था वो हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर. और साथ ही हम इसके अंदर पिसे हुए प्याज शामिल कर देंगे. इनका कलर चेंज होने तक हमने इनको भूनना है. प्याज हमारा भून चुका है, ब्राउन हो गया, देखिए इसका कलर. अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही सब्ज मिर्चन या पिसी हुई हम डाल देंगे इसके अंदर. और उसको अच्छी तरह से हमें भूनना है. प्याज लहसुन अदरक जो है वो हमारा प्याज लहसुन अदरक का मसाला भून चुका है, देखें. उसके अंदर हम ये ड्राई मसाले डालेंगे सारे और उसको 1 से 2 मिनट भूनेंगे. उसके साथ इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे. और अब हमने मसाला उस वक्त तक भूनना है जब तक हमारे टमाटर नरम हो जाए और मसाला तेल छोड़ दे. मसाला देखिए हमारा भून चुका है. ये टमाटरों को इस तरह से चम्मच की मदद से हम मैश कर लेंगे. साथ साथ ही भूनते हुए मैंने कर लिया है मैश. तेल अलहदा हो गया मसाले से. अब इसके अंदर चिकन डालेंगे, उसको तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने भूनना है चिकन का कलर चेंज होने तक. इस तरह से हमने मसाले को चिकन को 5 से 6 मिनट भूनते रहना ताकि कलर चेंज हो जाए. 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं, चिकन देखिए हमारा भून गया है, चिकन का कलर चेंज हो चुका है. अब इसके अंदर हम डालेंगे आलू. ये चिकन के अंदर आलू शामिल करेंगे और मज़ीद उसको 3 से 4 मिनट हमने भूनना है ताकि आलू अच्छी तरह से हमारे भून जाए. आलू हमारे भून चुके हैं, आलू और मुर्गी दोनों, तो 4 से 5 मिनट हमने भून लिया है. देखिए कलर चेंज हो चुका है इसका. अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, जितना भी हमें शोरबा बनाना है उसके हिसाब से हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे. और चिकन और आलू को गलने तक जो है वो हमने पकाना है. इसको मैं कवर कर दूँ, उसके बाद चेक करते हैं. आलू मुर्गी देखिए हमारी रेडी हो चुकी है. आपको जितना भी शोरबा चाहिए आप उतना रख लें उसके हिसाब से. और अब हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर और उसको ये सर्विंग के लिए रेडी है. इसको हम सर्व करते हैं.